सभी भाइयों को राम राम। कैसे हो भैया? तो भैया काफ़ी दिन के बाद अब मैं एक्टिव हुआ हूँ। अभी एक छोटा सा व्लॉग और डाला था मैंने, वो भी आप लोगों ने देखा, अच्छा प्यार दिया। तो भैया ये जो लोकेशन है ना, ये है नंदगांव की। मेरे यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर एक गांव है, हमारा पड़ोसी गांव नंदगांव। और आज इसी आंगन में हम लोग यहाँ पर शूट करने के लिए आए हैं। देखो ये आंगन है, ये घर है, ये बच्चे हैं यहाँ पर, और ये सब हमारे साथी कलाकार हैं उधर बैठे हुए हैं। वो हेमंत जाबिया जो हमारे ताऊ का रोल करते हैं, वो हैं शीतल बीच में जो सन्नाटा का रोल करते हैं, ये है हरिओम जाबिया जिसको हम लोग पेलू के नाम से जानते हैं, और आपकी जानी मानी पहचानी कलाकार रसीली, वो देखो सामने। आज भी भाई शर्माती हैं, इनको 0% घमंड है, इनको यही नहीं कि भाई लोग मुझे जानते हैं क्या करते हैं, ठीक है, 0%। मैंने क्या बोली है? 0% घमंड है। हाँ तो और क्या बोली फिर मैंने, बता। घमंड बोलने की जरूरत ही नहीं। अच्छा घमंड नहीं है, चलो ठीक है, अच्छी बात। देख लो भाई अब रसीली तुमने दिखा दिया। बहुत से लोग कमेंट करते हैं रसीली है कहाँ से, कौन है, कहाँ बबाल है रसीली, कैसो सिस्टम है भाई। देख दो ऐसो सिस्टम है रसीली, ठीक है ना। हाँ और ये भैया क्या नाम है आपका? निशांत। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ में। आज स्कूल कैसे नहीं गए? शूटिंग तो मारे हैं। शूटिंग क्या मारे हैं? शूटिंग क्यों मारी है? जल्दी बता। शूटिंग और तुम्हारे है। चल ठीक है भाई, थोड़ा बच्चा तो उतलाता है लेकिन प्यारा लगता है। शूटिंग की वजह से आज ये स्कूल नहीं गए, इनको पता लग गया कि हम लोग शूटिंग करने आ रहे हैं। और ये एक और भैया हैं, क्या नाम है जी? राम राम। राम राम महेश। ये बच्चा आप ही के हैं? चलो चलो, आप इनके पापा हैं या चाचा हैं? पापा हैं। चलो भैया निशांत से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। भाई इन्हीं के घर पे आज शूटिंग चल रही है हमारी। ये हमारा कैमरा है पीछे, ये देखो अभी बंद कर रखा है क्योंकि हमने खाना खाया है पीछे। इधर आ गुड़िया, और मिलाता हूँ आपको। क्या नाम है बेटा आपका? क्षमा। बहुत अच्छी गुड़िया है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? अभी स्कूल नहीं जाते। इतने बड़े हो गए स्कूल में जाते? जाते हो पर नाम नहीं लिखा। कितने बड़े हो गए आप? कितने साल की उम्र है? 9 साल की। अभी तक स्कूल में नाम ही ना लिखा? नाम लिख लिया पर बीच में नाम कट लिया। बीच में नाम कट लिया, स्कूल नहीं जाते होंगे है ना। अरे अरे चलो चलो। हाँ भाई आज तुम सबको मिलाता हूँ भाई कलाकारों से, नन्हे नन्हे कलाकार। एक और ये है, क्या नाम है आपका? विष्णु। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ में। अच्छा कौन सा घर है आपका? कौन सी, कितने दूर है यहाँ से? नेक्स्ट से दूर है। चलो अच्छी बात है भैया, विष्णु बाबू से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। और गुड़िया है दो। हेलो गुड़िया, कैसे हैं बेटा? सब बढ़िया। कौन सी क्लास में बेटा आप? आ जाओ बेटा। कोई नहीं, आ जाओ। वो बच्चे थोड़ा शर्मा रही है। आओ बेटा, आ जाओ। हाँ बेटा कैसे हो आप? अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? नीतू। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 12th क्लास में। चलो बहुत अच्छी बात है, गुड़िया से मिलके बहुत अच्छा लगा। एक और गुड़िया है, वो तो बिल्कुल शर्मा रही है। इधर आओ बेटा। भाई सबकी फैमिली से मिलाता हूँ आपको। नंदगांव में हमारे भैया हैं। क्या नाम बेटा आपका? प्रीति। और बेटा आपके जैसे ही मेरी एक बेटी है, बिल्कुल आपके बराबर है, और आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। तो कौन से क्लास में पढ़ते हो बेटा? 7th में। बहुत अच्छा है। और कौन से स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल के नाम। अच्छा यहीं पढ़ते हो किसी में? नंदगांव में। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई ये फैमिली है, देखो एक अम्मा है उधर लेटी हुई है, चलो आपको मिलवा देता हूँ। वो अम्मा ने तो पहले घूंघट कर, बैठ जाओ। आ जाओ भाई, वो शर्मा के पहले घूंघट कर लिया उन्होंने, तो बोला आ रहा होगा। हाँ चुपचाप भाई, उन्होंने पहले कर लिया। चलो और मुलाकात कराते हैं। राम राम जी। राम राम। कैसे हो आप? बढ़िया। बढ़िया हो? आज आपके यहाँ आए हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है, अब हम आते रहेंगे, चिंता मत करियो, ठीक है ना। बहुत अच्छा लगा। राम राम भाई, राम राम। एक और भैया आए हैं, क्या नाम है जी आपका? राम। राम भैया। अरे भैया राम भाई को राम राम करें, बहुत अच्छा लगा मिल करके। तो भाई साहब यहीं से आप? बड़ोकर से। अरे 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 अरे, ओ भैया यू कलाकार आ लियो हमारे पास गांव जाप में यार, इतना 22 किलोमीटर नहीं देखना पड़ रहा, लंबाई लंबा आयो कलाकार। चल भाई क्या नाम है आपका? कान्हा। और राम, दोनों भाइयों से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। ये भैया बड़ोकर से हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर गांव है। चलो बाकी लोगों से मिलाते हैं और आपको यहाँ का आंगन दिखाते हैं। ये देखिए, ये इस घर का आंगन, और उधर लग रहे हैं पेड़। ये देखो ये पेड़ है अनार का, और मैंने पूछे भैया अनार लगे हैं इसमें, तो बोले बंदर ले जाए। मैं कहा चल ठीक है भाई, बंदर तो हर तरह नुकसान करे। देखो काफी अच्छी फुलवारी है यहाँ पे। और ये है झूटाराम, ये पेड़ है जामिन को। हाँ और यहाँ पे अंगूर लगे हैं। हाँ और युवा झूटाराम जाओ सब खा लियो। अच्छा हाँ, और का 2 किलो बांध के लेगो परसों अंगूर जाते लेगो भैया। हाँ लेगो और ससुराल लेगो, पहले हाथ धो का लेटरिंग करके आयो तू। अच्छी बात है यार भाई साहब, इसकी एक खास आदत बताऊं, जहाँ कहीं भी ये खाना खाएगा, खाने हगने खाने के बाद तुरंत गायब। मैंने खाया ये 2 नंबर में जाता है। देख हाथ साफ करके नहीं आया, ऐसे कर लिया, धो ला यार, धो लिए। चलो चलो भैया एक और गुड़िया है। हेलो गुड़िया, कैसे हो बेटा? बढ़िया। क्या नाम है आपका? करिश्मा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
ट्वेल्थ में। बहुत अच्छे भाई। भाई ये जो हमारे भैया हैं काना भैया, उनकी सिस्टर हैं और ये उनकी माता जी हैं। राम राम जी, कैसी हो आप? भैया पूड़ी सब्जी का भाई साहब आज उन्होंने हमें खाना खिलाया, बहुत जबरदस्त। देखो मजा आ गया, रायता पूड़ी सब्जी। बिल्कुल खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे भैया। इन्हीं के घर पे शूटिंग हो रही है। वो है जी, एक और अंदर से आ रहे हैं भाई साहब, वो गुड़िया के पापा आपके, है ना? राम राम जी, ठीक ठाक हो? चलो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा राम राम, अम्मा राम राम, अम्मा सर्व आ रही है भाई, जनाब, है ना? तो ठीक है, आ जाओ बच्चो। थैंक यू, थैंक यू। एक पूरा फैमिली व्लॉग बनाया मैंने, सभी बच्चे खुश हैं। यहाँ पे हमारी सिस्टर हैं और हमारी बहन जी जितने भी यहाँ पे सब खुश हैं हमें देख के। देखो सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, शूटिंग करने के लिए आए हैं यहाँ पे। और जहाँ भाई देखो प्यार मिलता है वहाँ आना पड़ता है। तो एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियोज पे अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें। राम राम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भैया।